एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि मिंडोरा विलेज में मिलिटेंट्स का प्रेजेंस है, उसके बाद पुलिस, आर्मी, सीआरपी तीनों मिलकर कॉर्डन डाल रखा था। आज दोपहर से सर्च शुरू हो गया। सर्च के दौरान एक घर में मिलिटेंट प्रेजेंस के बारे में घर वाले ने बता दिया, कंफर्म कर दिया कि तीन मिलिटेंट हैं। उसके बाद वहाँ पर काफ़ी अपील किया गया सरेंडर करने के लिए, जो हम लोग का एसओपी का पार्ट है। एसओपी करने के बावजूद कोई मिलिटेंट सरेंडर नहीं किया, बल्कि अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया और फायरिंग किया। फिर इनकाउंटर शुरू हो गया, उसमें तीन टेररिस्ट मारे गए हैं, तीनों लोकल टेररिस्ट हैं और ये लोग एचएम से ताल्लुक रखते हैं। और उसमें से एक लास्ट ईयर अगस्त में ज्वाइन किया था और दो इसी साल 1 जनवरी को ज्वाइन किया था। आप लोगों को याद होगा 2 जनवरी को त्राल टाउन में एक ग्रेनेड थ्रो हुआ था एसएसबी के बंकर में, जिसमें एक सीआरपी का लड़का जख्मी हुआ था और हमारे 8 सिविलियन जख्मी हुए थे। तो उसमें जो मघामा का टेररिस्ट था, उस टाइम हम लोग उसको आइडेंटिफाई भी कर लिए थे उसको जो थ्रो करने में, और एफआईआर में नाम भी उनका डाले थे, आरिफ बसीर मघामा त्राल का, ये भी इसमें इनकाउंटर में मारे गए हैं। दूसरा है वारिस हसन नैबुक त्राल का है, ये अगस्त 2000 से एक्टिव था, ये मारे गए इनकाउंटर में। तीसरा है सईद आसिस उल हक नूरपुरा का है, एक AK-47 दो पिस्टल और 4 ग्रेनेड मिला वहाँ से। पूरा फोकस करेंगे हम लोग, प्रयास करते हैं कि सरेंडर करें। जैसा कि परसों वहाँ पर बांडीपुर हुआ था, जो मंजूर वहाँ पर एक लोकल टेररिस्ट था, नाका पर उसको जो हम लोग हमारे पार्टी ने उसको रोका, तो हम लोग वहाँ पूरा मौका दिए उसको कि सरेंडर कर जाओ, हाथ खड़ा कर दिया, सरेंडर कर दिया। उसमें से एक पिस्टल मिला था और 5 ग्रेनेड। हम लोग प्रयास था कि जिंदा रखा जाए उसको, क्योंकि उससे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलता है और दूसरे भी सेंडर करने के लिए राजी हो जाते हैं। तो आज भी पूरा प्रयास किया गया था कि जो खास के लोकल टेररिस्ट है जो नए ज्वाइन किए रिसेंटली, उसमें पूरा प्रयास करेंगे हम लोग कि सेंडर करें। उसमें उनके पेरेंट्स का भी हेल्प लेंगे। अगर इनकाउंटर साइट में कभी कभी होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता है कि इनके पेरेंट्स का नाम क्या है, कहाँ का है, उसमें दिक्कत होती है। लेकिन जहाँ भी 80% जगह पता चलता है पहले से कि इनके पेरेंट्स कौन है, उनके घर वालों को बुलाते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बहुत सारे ऑनलाइन वर्चुअल ऑनलाइन जो उनका चलता पोर्टल, उसके थ्रू हमारे यंग को काफ़ी इंस्टिगेट करते हैं। यूथ खास के जो टीनेजर होता है उस पर ज़्यादा कंट्रोल होता है, प्रेशर होता है अपने फ्रेंड्स का, प्रेशर ग्रुप का, तो प्रेशर ग्रुप से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। हम लोग भी बहुत रिसेंटली एक प्लान कर रहे हैं कि एक ऑनलाइन पोर्टल बनाएंगे जिसमें उनके पेरेंट्स से और कुछ यूथ से इंटरेक्शन करेंगे, उनको गाइडेंस देंगे, काउंसलिंग करेंगे कि आपका बच्चा में ऐसा कुछ लग रहा है ट्रेंड, आपको हैबिट क्या, ऐसा कोई साइन लगता है कि ये उस तरह जा रहा है, उसको लोग काउंसलिंग करके उनको समझाएंगे। और पाकिस्तान पूरा प्रयास कर रहा है कि फिर से कर रहा है, लास्ट ईयर भी काफ़ी प्रयास किया था कि ऑनलाइन करके थ्रू काफ़ी लड़कों को रेडिकलाइज किया जाए और इस आउटफिट में ज्वाइन कराया जाए। इसके लिए हम लोग बहुत अलर्ट है, नाम नहीं बताएंगे, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स हम लोग से अप्रोच भी किए हैं, उसमें काम कर रहे हैं कि कुछ लड़कों को वापस लाने के लिए, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे इसके लिए। ये इन्फॉर्मेशन अभी आप लोग शेयर नहीं करेंगे, हाईली टेक्निकल सेंसिटिव है। मिलिटेंसी या टेररिज्म भी एक क्राइम का पार्ट है और ये पुलिस का काम है इसको रोकना। तो जहाँ भी हमारे पुलिस के थाना है, चौकी, SOG, SP, DSP, उनका ड्यूटी है। ऐसा नहीं है कि हम साउथ कश्मीर बंद करके वहाँ पर काम, हर जगह पुलिस फोर्स है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनका काम है, करेगा, ड्यूटी करेगा। जहाँ तक कि बात है कि मिलिटेंट का, ये अभी खबर मिला है कि जो अभी नॉर्थ कश्मीर में प्रयास कर रहा है लोग फिर से नए लड़कों को रिक्रूट करने के लिए, उसके काफ़ी अलर्ट हैं और हम लोग उसको रोकेंगे, खासकर जो लड़का नए ज्वाइन करने के लिए जा रहा है। और जहाँ तक कि पेरेंट्स की बात है कि हम लोग पेरेंट्स को बार बार अपील करते हैं, आज फिर अपील करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों में ऐसा कुछ है, कुछ साइन डिसिंबल दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो काइंडली डिस्ट्रिक्ट SP से या IG से DIG से मिले या फ़ोन से बात करें और उसको हम लोग पूरा प्रयास करेंगे पूरा वापस लाने के लिए। लाइव प्राय इनकाउंटर में जो पहला जो उनके पेरेंट्स बोले थे हम लोगों को, आप लोगों से शेयर किए थे, ये लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वो जो उनका कॉल GPS देख लोकेशन से वो गलत था। दूसरा बोला था उनके पेरेंट्स की ये तीनों बच्चे एक दूसरे को नहीं जानते हैं, जबकि तीनों एक दूसरे को जानते हैं, और बोला था कि वो एक रात हो सकता है आर्मी पहले पकड़ लिया हो, जबकि फैक्ट है कि वो 2 बजे तक वो घर में थे, 2:30 बजे तीनों एक ही गाड़ी में बैठ के उस गाड़ी में बैठ के इनकाउंटर साइड से पहले उतरे थे। तो उनका जो भी स्टेटमेंट आ रहा था उनके पेरेंट्स का गलत आ रहा है। उसमें से एक ऐसा भी है जिसको 2019 में
एसओजी कैंप पुलवामा में ला के बुला के उसको समझाया गया था, पुलिस वाला के बेटा है, उसको कुछ पूछताछ किया गया था, फिर काउंसलिंग करके छोड़ दिया गया था। वो मिलिटेंट के साथ वो भी चलता था। और दूसरी बात है कि जब उसका हम सीटीआर एनालिसिस किए, उसमें तीनों जो एसोसिएट मारे गए हैं ये वहाँ के लोकल ओजीडब्ल्यू से फ्रीक्वेंटली बात करते हैं सीटीआर से। तीसरा है कि जो मेटा डाटा जो उनसे मिला है, मोबाइल से मिला होंगे, उस डाटा से लाया है, उसमें दो जो है पुलवा का जो जो ऐप उनका जो आई पी डी आर जो मिल रहा है, आई पी एड्रेस मिल रहा है, वो पाकिस्तान है। वो ये सब चीज़ हम लोग केस फाइल में डालेंगे पूरा। नहीं, एक और उसमें जो सोपियन का एक है, उसमें वो दो वर्चुअल नंबर से पाकिस्तान के टॉप कमांडर के साथ फ्रीक्वेंटली बात करते थे। ये मेटा डाटा हमारे पास मिल गया है। अब जरा डाटा जिसको जैसे हम लोग चार्टिंग करते हैं, उसमें जो क्या कंटेंट है, क्या लिखा है, क्या बात किया है, इसको लाने में टाइम लग रहा है हमको। हाईली सेंसिटिव है क्योंकि मोबाइल भी डैमेज हो गया था पूरा, ये भी हमको मिल जाएगा। ये सारे पार्ट केस फाइल का पार्ट होगा। जब केस को हम लोग फाइनल रिपोर्ट कोर्ट को देंगे तो उस टाइम ये सब डाटा वहाँ देंगे। उस डाटा की बेस पर उसको डिनाई नहीं कर सकता, वो तो फैक्चुअल चीज है। वो जज साहब को देंगे हम लोग, वो देखेंगे। फैमिली तो जो जो बोलते हैं कि वो झूठा साबित होता गया। फैमिली का बहुत, देखिए फैमिली का रोल था, फैमिली को उनके पता था कि ये लड़का इस टाइप का है, यहाँ ऐसे बात, उनको रोकना चाहिए, पहले रोकना चाहिए या पुलिस का हेल्प लेकर उसको घर वापस लाना चाहिए। जो आदमी एसओजी के में बुलाया गया फ्रीक्वेंटली पूछताछ करने के लिए, समझा के छोड़ा गया है उसको, कि उनके बाप को नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा चलता है। बच्चों को मोबाइल, एक बच्चा तीन तीन मोबाइल लेकर, टीनेजर लेकर घूम रहा है, क्या कर रहा है, किसे बात, पेरेंट्स का बहुत रोल पड़ता है। पेरेंटल कंट्रोल बहुत जरूरी है। सोशल मैकेनिज्म है, सोशल कंट्रोल का सबसे बड़ा हिस्सा है पेरेंट्स है। आजकल ज्वाइंट फैमिली खत्म हो गया, लेकिन पेरेंट्स का तो ड्यूटी बनता है अपने बच्चों को संभालना चाहिए पूरा। और ये जो हम लोग इसलिए कर रहे हैं, हम लोग भी ऑनलाइन पोर्टल खोल स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें पेरेंट्स को भी समझाएंगे और बच्चों को भी इंटरेक्शन करेंगे, उसको समझाएंगे कि गलत रास्ता पर इधर मत जाओ, क्योंकि पेयर प्रेशर में ये लोग चले जाते हैं पूरा। है पोर्टल है, ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू काफ़ी लोग रेडिकलाइज होते हैं लोग। इसको रोकना आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोग भी इसको करें, हम लोग भी मिला, एज ए सोसाइटी होल सबका ड्यूटी है बच्चों को गलत राह पर जाने से रोकना।